अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम एंग्लो अरबिक हायर सेकेंडरी स्कूल। द क्लास इज़ 7, द सब्जेक्ट इज़ मैथ, यूनिट नंबर 4। टुडे आवर टॉपिक इज़ पावर लॉ। पावर लॉ आपके पास क्या है कि अगर आपके पास बेसिस हैं, बेसिस में आपके पास उसकी पावर m एंड होल पावर n है, तो ये क्या होगी, पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर लॉ है, यानी अभी जो जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करी है वो पावर्स में होंगी, बेसिस सेम रहेंगी। तो m मल्टीप्लाई विद n हो जाएगा और आपके पास m मल्टीप्लाई n आपके पास न्यू आ जाएगा विद बेस a m मल्टीप्लाई n। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 हो और आपके पास n की पावर 4 हो, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल आ जाएगा 12 के। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है, पावर लॉ में ही है, ज़ीरो एक्सपोनेंट। अगर पावर में ज़ीरो आ जाए किसी भी बेस के, अगर पावर में जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वो पूरी टर्म जो है वो 1 के इक्वल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस आपके पास 2 है एंड एक्सपोनेंट इज़ 0। आपके पास जब भी किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है रूल नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर रूल में सेकंड आपके पास है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर तो आपके पास किसी भी बेस की पावर जो है, यानी एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाए, माइनस आ जाए, तो उस एक्सपोनेंट को हमें पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा और वो आपके पास 1/ की फॉर्म में होगा। अगर आपके पास a है, a एक्सपोनेंट माइनस m है, तो उसका जो आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आपके पास 1/ a एक्सपोनेंट m हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर m की जो साइन है वो माइनस से कन्वर्ट हो गए प्लस में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म जैसे p बाई q और उसकी होल पावर माइनस है, और कहा जाता है कि आप माइनस को कन्वर्ट करें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को कन्वर्ट करें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तब आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। जब आप फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें आपके पास p बाई q था, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया q बाई p और होल पावर इसकी पॉजिटिव m होगी। यहाँ से नेगेटिव m रिमूव हो जाएगा एंड आपके पास पॉजिटिव m आ जाएगा। आगे आपके पास है इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर। इंटीजर आपके पास, ये आपके पास स्टेटमेंट है, बेस के साथ अगर आपके पास नेगेटिव है और उसकी होल पावर आपके पास n है, तो अगर तो n जो है, यानी जो पावर है n की जो वैल्यू है वो अगर कोई इवन इंटीजर आती है, तो आपके पास आंसर जो है, इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर, यानी अगर पावर जो है वो आपके पास, यानी एक्सपोनेंट n एक्सपोनेंट जो है वो n ऑड इंटीजर आ जाए, तो देन जो इसका आंसर आएगा माइनस a होल पावर n का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इवन इंटीजर, यानी आपके पास n की वैल्यू अगर हम 2 कर दें, 2 इज़ एन इवन इंटीजर, तो माइनस a होल पावर 2 इज इक्वल, ये माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर n जो है अगर 3 आ जाए, 3 इज़ एन ऑड इंटीजर, तो आपके पास माइनस a होल पावर 3 आ जाएगा, यानी ये माइनस जो है ये कंटिन्यू हमारे साथ रहेगा एट द एंड ऑफ द आंसर। अब आपके पास है एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस एज सिंगल एक्सपोनेंट। यहाँ पर आपके पास जितनी भी आपको स्टेटमेंट्स गिवन है उनको आपने सिंगल एक्सपोनेंट यानी सिंगल पावर से बनाना है। यहाँ पर आपको दो पावर्स दी गई हैं, 3 और 5। आपने यूज़ करना है पावर लॉ को, उसको यूज़ करते हुए आपने इनको सिंगल एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो 2/3 होल पावर 5 इज इक्वल, अब 3 मल्टीप्लाई यानी m मल्टीप्लाई विद n, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 किसके इक्वल होता है 15 के, 3 × 5 = 15, 2/15। सेकेंड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट इज़ -3 होल पावर 4 एंड होल पावर 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 5 के साथ, 4 × 5 = 20 एंड -3 एज इट इज़, ठीक है। अब आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, चेंज एक्सपोनेंट्स इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी आपके पास जितनी भी एक्सपोनेंट्स इस क्वेश्चन में गिवन होंगी वो नेगेटिव होंगी, अब आपने उनको रूल्स यूज़ करते हुए, ठीक है, नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला रूल यूज़ करते हुए इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप देखें
पार्ट वन इज 12 - 3 होल, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो -3। अब आपने इस -3 को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है कि आपके पास 12 / 1, 12 इज अ रैशनल नंबर, सो 12 / 1 जो है हम खुद से अज्यूम करेंगे, ठीक है, और इसकी होल पावर जो रहेगी वो -3 ही रहेगी। आपने जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक क्या किया, जब आपके पास रैशनल नंबर हो जैसे पी बाई क्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 इज़ पी एंड 1 इज़ क्यू, पी बाई क्यू है, तो जब आप इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्यू बाई पी हो जाएगा, यानी 1/12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो गया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया, जो होल पावर +3 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज़ -1/10 / -9। अब यहाँ पर देखें, आपके पास क्वेश्चन गिवन ही रैशनल नंबर है, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में है। जब आपके पास क्वेश्चन पी बाई क्यू की फॉर्म में गिवन हो तो ऑटोमेटिकली है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 डिनोमिनेटर बन जाएगा और 10 जो है वो 1 बन जाएगा, आपके पास 10 जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, जब आपने रेसिप्रोकल लिया -9 कन्वर्ट हो जाएगा +9 में, ठीक है। तो 10 और आपके पास ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, होल पावर 9 आ जाएगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, चेंज एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट। अब जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन है आपने इनको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इसका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इसमें आपके पास गिवन है -3 / 7 होल पावर 0 मल्टीप्लाई विद -3 / 2 होल पावर 2। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन है 7, यानी m मल्टीप्लाई विद n, तो आपके पास m मल्टीप्लाई विद n 7 / 0 मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्वेश्चन है, और उसके बाद -3 / 2 आपके पास 7 0 है, किसी भी टर्म को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आपके पास 0 आएगा, और यहाँ पर 2 2 = 4, तो -3 / 0 × -3 = 4। अब यहाँ पर आपके पास 0 एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब भी किसी भी बेस की पावर जो है यानी एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो वो इक्वल टू 1 आ जाता है, तो इसका जो आंसर होगा, इस पूरी टर्म का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, और ये -3 / 4 है। अब यहाँ पर देखिए n जो है यहाँ पर पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। जब इवन इंटीजर होगा तो ये आपके पास इसका आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, इसलिए -3 कन्वर्ट हो गया +3 में। अब आपके पास 1 × 3 / 4, तो आपके पास 3 / 4 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर है कि 3 इटसेल्फ कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 3 3 = 9, 9 3 = 27, एंड 27 3 = 81। तो ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर है। इसी तरह आपके पास पार्ट 5 है 1/2। अब यहाँ पर आपके पास रैशनल नंबर की फॉर्म में है, 1/2 की फॉर्म में होल पावर -3। अब सबसे पहले आपने इनकी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यानी इनका इन सब टर्म्स का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1/2 हो जाएगा 2/1, और इधर 1/2 हो जाएगा 2/1, एंड 1/2 = 2/1 हो जाएगा। तो आपके पास इसकी एक्सपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगी -2 / +3, तो आपके पास +3 + 3 + 6 + 5। अब आप देखिए बेसिस जो है जब आपकी सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट लॉ में पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती है, 3 + 6 हो जाएंगी, तो 2 / 3 + 6 जो कि आपके पास 9 के इक्वल आएगा, एंड 2 / 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये आपके पास 2 / 9 / 2 / 5, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना है, ये डिवीजन की फॉर्म है, अब आपके पास 9 - 5 पावर की फॉर्म में बन जाएगी, और 9 - 5 आपके पास किसके इक्वल आएगा, 2/4 के। तो 2/4 मीन्स 2 जो है वो 4 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 = 4, 4 2 = 8, एंड 8 2 = 16। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा एक्सरसाइज 2.4.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। थैंक यू।